एनसीपी प्रमुख और वरिष्ठ विपक्षी नेता शरद पवार ने कांग्रेस से अलग राय रखते हुए कहा कि अडानी मामले में जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति प्रासंगिक मुद्दों की जांच कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी समूह को निशाना बनाया गया था। एक साक्षात्कार में शरद पवार ने ऐसी कई बातें कही जो कांग्रेस के बयानों और मांगों के बिल्कुल उलट है। शरद पवार ने कहा, किसी ने बयान दिया और देश में हंगामा मच गया। ऐसे बयान पहले भी दिए गए थे जिससे हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार मुद्दे को जो महत्व दिया गया वो जरूरत से ज्यादा था। सोचने की जरूरत है कि मुद्दे को किसने उठाया। बयान देने वाले का नाम हमने नहीं सुना, पृष्ठभूमि क्या है। ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं, कीमत चुकानी पड़ती है, अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ता है, हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनसीपी नेता प्रमुख ने कहा कि लगता है कि उन्हें निशाना बनाया गया था। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने अडानी मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाया और हिंडनबर्ग अडानी विवाद की जेपीसी जांच पर जोर दिया। कुछ और विपक्षी दलों ने भी जेपीसी जांच की मांग कर समर्थन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने कहा कि अडानी मामले की जांच की मांग उठाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहल की और एक समिति बनाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विशेषज्ञों, प्रशासकों और अर्थशास्त्रियों को नियुक्त किया। समिति को एक समय सीमा के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। पवार ने कहा, कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है जिसमें सत्ता पक्ष के ही लोगों को बहुमत होगी, ऐसे में सच्चाई कैसे सामने आएगी, आशंकाएं हो सकती हैं। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए समिति की घोषणा कर दी तो जेपीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। समिति को 2 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। शरद पवार के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि उनके अपने विचार हो सकते हैं, इस मामले पर 19 विपक्षी दल एकजुट हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम सभी इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हैं और भाजपा के खिलाफ एनसीपी सहित 20 विपक्षी दल एक साथ हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।